बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लिमर्ट स्टार एकेडमी ऑफ साइंसेस। आज हम एवरीडे साइंसेस का जो पार्ट नंबर 7 है उनके रेलिवेंट जो एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करने के लिए जा रहे हैं। कोक इज मेड बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर एट द टेम्परेचर ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1300 डिग्री सेंटीग्रेड। पिछली वीडियोज में हमने ये बात की थी कि हमारे पास सबसे जो इन्फीरियर किस्म की जो क्वालिटी का जो फ्यूल होता है उसको हम नाम देते हैं पीट का। जब पीट के ऊपर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगता है तो यही जो पीट है ये लिग्नाइट में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस लिग्नाइट के ऊपर जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगता है तो ये जो लिग्नाइट है ये बिटूमिनस कोल में कन्वर्ट हो जाती है। अब बिटूमिनस के ऊपर जब हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर लगता है तो ये एंथ्रासाइट में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम एंथ्रासाइट के बारे में बात करें तो एंथ्रासाइट ये सबसे कोल की बेहतरीन क्वालिटी है। अब जब हम इस एंथ्रासाइट की भी आगे से मजीद इसको 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हीट करते हैं तो इससे फिर हमें तीन तरह के फ्यूल हमें मिलते हैं। एक हमें सॉलिड फ्यूल मिलता है, दूसरा हमें लिक्विड फ्यूल मिलता है और तीसरा हमें गैसेस फ्यूल मिलता है। जो हमें सॉलिड फ्यूल मिलता है उसको हम कोक का नाम देते हैं, जो हमें लिक्विड फ्यूल मिलता है उसको हम कोल टार का नाम देते हैं। नेक्स्ट द अमाउंट ऑफ एनर्जी इन व्हीट इज, अगर हम 10 किलोग्राम वीट को कंज्यूम करें तो इससे हमें 348 किलो कैलोरीज एनर्जी हमें मिलती हैं। द मसल्स टिश्यूज एंड ब्लड्स ऑल आर मेड अप ऑफ, इसका राइट ऑप्शन होगा प्रोटीन्स। हमारे मसल्स टिश्यूज और जो ब्लड्स हैं ये प्रोटीन से मिलके बनी हुई होती हैं। नेक्स्ट विच टाइप ऑफ मोशंस आर प्रेजेंट इन सॉलिड्स, तो सॉलिड्स की अगर हम बात करें तो सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल एक दूसरे के करीब करीब होते हैं। उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इस वजह से सॉलिड के अंदर वाइब्रेशनल मोशन मौजूद होती है। जबकि अगर हम लिक्विड्स के बारे में बात करें या फिर गैसेस के बारे में बात करें, लिक्विड्स और गैसेस में मॉलिक्यूल्स के दरमियान में जो डिस्टेंस होता है वो सॉलिड की निस्बतन कंपैरेटिवली हाई होता है। तो इसी वजह से गैसेस के अंदर और लिक्विड्स के अंदर ट्रांजिशनल और रोटेशनल इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर कंटेंस, तो ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन्स इसके अंदर मुश्तमिल होती है। नेक्स्ट है फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय, तो इसका राइट ऑप्शन होगा जॉन डाल्टन। सबसे पहले जो एटॉमिक थ्योरी थी वो जॉन डाल्टन ने पेश की थी। नेक्स्ट द रिएक्शन बिटवीन मिथेन एंड क्लोरीन इन डिफ्यूज सनलाइट इज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा रेडिकल सब्सटीट्यूशन। अब मिथेन और क्लोरीन का जो रिएक्शन है ये डिफ्यूज सनलाइट में बेसिकली तीन स्टेप्स की मौजूदगी में ये प्रोसीड होता है। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज इनिशिएशन एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड एज प्रोपोगेशन एंड थर्ड वन इज कॉल्ड एज टर्मिनेशन। अब इसमें मिथेन में जो चारों हाइड्रोजन एटम है ये सक्सेसिवली चार दफ़ा क्लोरीन के साथ ये डिफ्यूज़ हो जाते हैं, सब्सटीट्यूट होते हैं और एट द एंड जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है वो कार्बन टेट्राक्लोराइड बनता है। नेक्स्ट थ्रू विच ऑर्गन्स डज अ फिश रिस्पायर, बेसिकली जो फिश है ये गिल्स के ज़रिए अपना सांस लेती है। इन द ट्रीटमेंट ऑफ विच डिजीज इज डायलिसिस यूज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा किडनी फेलर में जो डायलिसिस है वो यूज़ की जाती है। लाइक अगर हम बात करें तो इसमें हम दो तरह के जो डायलिसिस है वो यूज़ करते हैं, फर्स्ट वन इज होमोडायलिसिस एंड सेकेंड वन इज कॉल्ड पेरिटोनियल डायलिसिस। द साउंड ऑफ विच फ्रीक्वेंसी आर ह्यूमन बींग्स मोस्ट सेंसिटिव, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 5000 हर्ट्ज। कॉटन इज ग्रोन ऑन, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ब्लैक सॉइल, कॉटन को ब्लैक सॉइल में ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट है निफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन होगा क्लाउड्स। टेटनस इज कॉज्ड बाय, तो बेसिकली जो टेटनस है ये क्लोस्ट्रीडियम की वजह से ये होती है। द ब्रेन ऑफ ह्यूमन एडल्ट वेट्स इज अबाउट, तो ह्यूमन का जो वेट होता है ये ऑलमोस्ट 1200 से 1300 ग्राम के दरमियान में होता है। रेयरिंग ऑफ हनी बीज फॉर हनी प्रोडक्शन इज कॉल्ड एज, इसका राइट ऑप्शन होगा एपीकल्चर, वाइल द रेयरिंग ऑफ गार्डन इज कॉल्ड एज विट्रीकल्चर। नेक्स्ट वट इज़ द फर्स्ट एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, तो बेसिकली पीरियोडिक टेबल का जो पहला एलिमेंट है वो हाइड्रोजन है जबकि जो दूसरा एलिमेंट है वो हीलियम है। नेक्स्ट टूथ डिके इज कॉज्ड बाय, तो इसका राइट ऑप्शन होगा शुगर।
सोप इज, अब इसमें सोप की अगर हम बात करें तो सोप साल्ट है। जब भी एसिड और बेस आपस में कंबाइन करते हैं तो इससे साल्ट और वाटर बनता है। अगर हम सोप के बारे में बात करें तो सोप ये साल्ट है। नेक्स्ट, 1 horsepower इज इक्वल टू 746 watt। 1 horsepower की अगर हम बात करें तो 1 horsepower में 746 watt होते हैं। साइंस विच डील्स विद द पोजिशन एंड मूवमेंट ऑफ हेवनली बॉडीज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा एस्ट्रोनॉमी। मोस्ट ऑफ द वेदर फिनोमेना टेक प्लेस इन विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ट्रोपोस्फियर। द मैटर ऑफ आवर सन इज इन विच स्टेट, तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्लाज्मा। हमारी बेसिकली जो यूनिवर्स है 99% ये प्लाज्मा पर मुश्तमिल है। तो इसमें अगर हम सन की अगर हम बात करें तो सन भी ये प्लाज्मा पर मुश्तमिल है। सिलिकॉन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन होगा सेमी कंडक्टर। द ब्लाइंड स्पॉट इज लोकेटेड एट द विच टाइप ऑफ द आई, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्टिक डिस्क। गावा हैज़ द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ विच विटामिन, तो गावा के अंदर जो विटामिन सी है ये मैक्सिमम अमाउंट में मौजूद होता है। द लेंजेज आर यूज फॉर द करेक्शन ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन होगा लॉन्ग साइटेडनेस एंड शॉर्ट साइटेडनेस। विजडम टीथ नॉर्मली ग्रो बिटवीन द एज ऑफ, जो विजडम टीथ्स हैं ये नॉर्मली 17 से लेकर 30 साल की एज के दरमियान में ग्रो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर इज कॉल्ड एज द क्वीन ऑफ वाटर, तो इसका राइट ऑप्शन होगा लिली। फैन वॉज इन्वेंटेड बाय, जो फैन है इसको स्कॉट्स व्हीलर ने इन्वेंट किया। द मूवमेंट ऑफ एनी सॉल्वेंट अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस की अगर हम बात करें तो ऑस्मोसिस में जो साल्ट्स के मालिक्यूल्स हैं, जो वाटर के मालिक्यूल्स हैं, वो लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं, यानी कि एरिया ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन टू द एरिया ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन की तरफ अक्रॉस द सेमी परमिएबल की तरफ ये मूव करते हैं। विच हैज़ द लोएस्ट पीएच, अब इनमें जो गैस्ट्रिक जूस की जो पीएच है ये सबसे कम होती है। डैश इज द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज बिटवीन टू इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसका राइट ऑप्शन होगा पोटेंशियल डिफरेंस। अ क्रिस्कोग्राफ इज अ डिवाइस फॉर मेजरिंग द ग्रोथ इन, तो इसका राइट ऑप्शन होगा प्लांट्स। प्लांट्स की ग्रोथ को मेजर करने के लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं वो हम क्रिस्कोग्राफ यूज करते हैं। विच ऑफ दीज इज द माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑफ प्लांट्स, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बोरोन। अभी तक जो 16 एलिमेंट्स हैं वो डिस्कवर हो चुके हैं। इनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये जो प्लांट्स है ये डायरेक्टली एनवायरमेंट से टेक करता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम, इनको हम प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं, जबकि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इनको हम नाम देते हैं सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स का। और ये जो 9 न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हम नाम देते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का। बाकी जो अदर न्यूट्रिएंट्स हैं लाइक इसमें बोरोन, कॉपर, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, मॉलिब्डेनम और आयरन, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इनको हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का नाम देते हैं। कवर द कैप्सूल इज मेड अप ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन होगा जेलेटिन। आइसोटॉप्स ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग द सेम, तो आइसोटॉप्स की अगर हम बात करें इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है लेकिन इनके मासेज नंबर डिफरेंट होते हैं। एटॉमिक नंबर से मुराद यह है कि इनके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं लेकिन इनके इनका जो मास नंबर है वो डिफरेंट होता है। मास नंबर से मुराद यह है कि सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, तो हम उसको नाम देते हैं मास नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड लाउडेस्ट बर्ड, तो इसका राइट ऑप्शन होगा वाइट बेल बर्ड। अ कन्वेक्स मिरर ऑलवेज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा फॉर्म्स अ वर्चुअल इमेज। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा एनाटॉमी। व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ जिंक हाइड्रोक्साइड, तो जिंक हाइड्रोक्साइड का जो केमिकल फार्मूला है वो ZnOH twice होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ सोडियम कार्बोनेट, तो सोडियम कार्बोनेट का जो केमिकल फार्मूला है ये Na2CO3 होता है और इसको वाशिंग सोडा का नाम भी दिया जाता है। द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकेम वेरी लेट बिकॉज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा इट डज नॉट कैरी एनी चार्ज। न्यूट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था तो इस वजह से जो इसकी डिस्कवरी थी वो काफ़ी ज़्यादा तखीर का शिकार हुई। इफ स्टील इज हीटेड टू अ टेम्परेचर वेल बिलो रेड हीट एंड इज देन कोल्ड स्लोली द प्रोसेस इज कॉल्ड एज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा अनीलिंग। द ओजोन मालिक्यूल्स कंटेन विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग, तो ओजोन मालिक्यूल्स में
कोऑर्डिनेट एडिटिव कोवलेंट बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड इसके अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट है द नॉर्मल रेंज ऑफ द नंबर ऑफ वाइट ब्लड सेल्स इन अ माइक्रोलीटर ऑफ ह्यूमन ऑफ माइक्रोलीटर ऑफ ब्लड इन बिटवीन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4500 to 10,000। हाउ मैनी कैलोरीज आर देयर इन 100 ग्राम नेचुरल हनी। 100 ग्राम नेचुरल हनी में 304 किलो कैलोरीज इसके अंदर मौजूद होती हैं। नेक्स्ट हाउ मैनी बोन्स आर इन ह्यूमन आइज। तो ह्यूमन आइज में बेसिकली जो नंबर ऑफ बोन्स हैं वो 7 होती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कटिंग कंडीशंस ग्रेटली अफेक्ट्स द टूल वेयर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कटिंग स्पीड। द स्टडी ऑफ फोर्सेज एक्टिंग अपॉन बॉडीज इन मोशन इन द एयर इज कॉल्ड एज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एरोडायनामिक्स। हु डिस्कवर द सोलर सिस्टम। तो कोपरनिकस ने सोलर सिस्टम को डिस्कवर किया। रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस्ड इन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बोन मैरो। और रेड ब्लड सेल्स का जो न्यूक्लियस है वो भी नहीं होता। और रेड ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें इनको एरिथ्रोसाइट्स का नाम भी देते हैं। नेक्स्ट है बीटी सीड इज एसोसिएटेड विद। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कॉटन। बाय विच हार्मोन हाई ब्लड शुगर लेवल कैन बी कंट्रोल्ड इन स्टोमेज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इंसुलिन। कार्बन डायमंड एंड ग्रेफाइट आर टुगेदर आर कॉल्ड एज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा दीज आर द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज अफेक्ट्स द स्किन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पिलाजरा। पिलाजरा बेसिकली ये क्या है, ये स्किन की डिजीज है। आइडेंटिफाइड द ब्लैकेस्ट फिश इन द ओशन। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ब्लैक ड्रैगन फिश। फॉर द जनरेशन ऑफ बायोगैस द मटेरियल्स कॉमनली यूज्ड एज। तो बायोगैस में हम बेसिकली जो एनिमल्स का वेस्ट और जो प्लांट्स का वेस्ट है ये मोस्टली ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एनिमल वेस्ट। फॉर अ फिक्स्ड मास ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इफ वी डिक्रीज द वॉल्यूम द प्रेशर विल इन। तो डेफिनेटली जो उसका प्रेशर है वो इंक्रीज कर जाएगा अगर हम टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रखेंगे। तो अगर हम इस लॉ की अगर हम बात करें तो किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके प्रेशर के। ये वाला जो लॉ था ये 1663 में रॉबर्ट बॉयल ने ये लॉ दिया था। जबकि अगर हम प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखेंगे, अगर हम वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो उससे जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, अगर हम वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो उससे जो डेफिनेटली जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है ईच डे ह्यूमन बॉडी ब्रीथ हाउ मैनी लीटर्स ऑफ एयर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 15,000 to 20,000। ऑन एन एवरेज जो एक अडल्ट पर्सन होता है वो एक दिन में 15,000 to 20,000 लीटर एयर को कंज्यूम करता है। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग वेरी हाई टेम्परेचर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा पायरोमीटर। ऑक्सीडेशन इज अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग दी। तो इसका राइट ऑप्शन होगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम ऑक्सीडेशन की अगर हम बात करें, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम नाम देते हैं ऑक्सीडेशन का। अकॉर्डिंग टू बिग बैंग थ्योरी द यूनिवर्स बिगन अबाउट हाउ मैनी बिलियन ईयर्स अगो। तो यूनिवर्स ये 10 to 20 billion years ago ये क्रिएट हुई है। नेक्स्ट है मेट्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एटमोसफेयर। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द विंड स्पीड इज कॉल्ड एज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एनोमीटर। विंड की डायरेक्शन को मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं हम एनानोमीटर यूज़ करते हैं, जबकि जो बैरोमीटर है ये प्रेशर को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं, और हाइड्रोमीटर ये वाटर की इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और हाइग्रोमीटर ये एयर के अंदर जो ह्यूमिडिटी है उसको मेजर करने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं वहाँ हम हाइग्रोमीटर यूज़ करते हैं। द डिवाइस यूज टू कन्वर्ट एसी करंट इनटू डीसी करंट। तो उसके लिए जो हम डिवाइस यूज़ करते हैं हम रेक्टिफायर यूज़ करते हैं। ह्यूमिंग बर्ड बिलोंग्स टू अ कैटेगरी कॉल्ड। तो इसका राइट ऑप्शन होगा एंडोथर्म। ह्यूमिंग जो बर्ड है ये एंडोथर्म की कैटेगरी से बिलोंग करता है। पर्सन विद फॉलोइंग ब्लड ग्रुप आर कंसिडर्ड टू बी अ यूनिवर्सल रेसिपियंट। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ए बी पॉजिटिव, जबकि जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो ओ पॉजिटिव होता है। विच फॉर्म ऑफ अ ड्रग अब्यूज इन्वॉल्व द मोस्ट रिस्क ऑफ इन्फेक्शन विद द एच आई वी वायरस। तो इसका राइट ऑप्शन होगा इंजेक्शन ऑफ हेरोइन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक। तो इसका राइट ऑप्शन होगा स्टील। द नंबर ऑफ स्पार्क प्लग्स नीडिड इन अ डीजल इंजन इज। तो इसका राइट ऑप्शन होगा 0। डीजल इंजन में कोई भी बेसिकली जो स्पार्क प्लग है वो मौजूद नहीं होता। ओजोन लेयर प्रिवेंट्स विच टाइप ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम एंटरिंग द एटमोसफियर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अल्ट्रा वायलेट। इन विंटर एन आयरन पाइप फील कोल्डर देन अ वुडन विंडो।
दिस इज बिकॉज वुड इज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा नॉन कंडक्टर. द टेम्परेचर ऑफ द डेड बॉडीज, तो डेड बॉडी का जो टेम्परेचर होता है अकॉर्डिंग टू रूम टेम्परेचर होता है, जहाँ पर डेड बॉडी जिस कमरे में रखी जाती है जितना उस कमरे का टेम्परेचर होगा वही जो टेम्परेचर होगा वो डेड बॉडी का होगा. द इंस्ट्रूमेंट विच इज स्पेशली डिजाइंड फॉर रिकॉर्डिंग अर्थक्वाक वेव्स इज कॉल्ड ए सिस्मोग्राफ विच मेजर्स द अर्थक्वाक वेव्स ऑन ए, तो इसका राइट ऑप्शन होगा रेक्टर स्केल. वट इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द बोन्स एंड टीथ, तो टीथ और बोन्स का जो मेन कंपोनेंट है ये कैल्शियम फॉस्फेट है. विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, तो इसका राइट ऑप्शन होगा फैट्स. द सन अपीयर्स रेड एट सनराइज एंड सनसेट व्हाइल इट अपीयर्स वाइट एट मून बिकॉज ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन होगा बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट ड्यू टू डस्ट पार्टिकल्स एंड एयर मॉलिक्यूल्स. द रियर व्यू मिरर ऑफ अ मोटर व्हीकल इज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा कन्वेक्स. द एब्जॉर्प्शन ऑफ इंक बाय ब्लॉटिंग पेपर इन्वॉल्व, तो इसका राइट ऑप्शन होगा कैपिलरी एक्शन फिनोमिना. अल्बेट्रोस इज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा अ सी बर्ड. वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो इनमें से ये जो सभी हैं ये फैट सोल्यूबल विटामिन है लाइक विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के. इन विटामिन्स को हम नाम देते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन का, जबकि विटामिन सी, विटामिन बी, इसी तरह से विटामिन जितने भी इस तरह के जो बाकी जो विटामिन्स हैं इनको हम वाटर सोल्यूबल विटामिन का नाम देते हैं. नेक्स्ट द अल्फा पार्टिकल्स आर कॉम्पैक्ट क्लस्टर्स ऑफ, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू प्रोटॉन्स एंड टू न्यूट्रॉन्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंजाइम, तो इनमें से जो सेक्रीशन है ये एंजाइम नहीं है, जबकि पेप्सिन और कैमोट्रिप्सन ये एंजाइम है. फ्यूज़ वायर इज़ मेड अप ऑफ, तो फ्यूज़ वायर की अगर हम बात करें इसके अंदर 63% इसके अंदर टिन होती है, जबकि इसके अंदर 37% इसके अंदर लेड होती है. अ डिवाइस दैट कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कॉल्ड एज़, इसका राइट ऑप्शन होगा जनरेटर. जनरेटर ऐसा डिवाइस होता है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है. ऐसा यूनिट ऑफ टाइम, तो टाइम का जो ऐसा यूनिट होता है वो सेकेंड होता है, जबकि मास का किलोग्राम होता है और डिस्टेंस का मीटर होता है. द मेन फंक्शन ऑफ किडनीज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा टू रिमूव वेस्ट फ्रॉम ब्लड. साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू आ, तो इसका राइट ऑप्शन होगा वैक्यूम, जो साउंड है ये वैक्यूम से ट्रेवल नहीं कर सकती. द ह्यूमन ब्रेन यूजेस हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ द टोटल ऑक्सीजन एंड ब्लड इन द बॉडी, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 20%. द लॉन्गेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा फीमर. विच गैस इज यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, तो इसका राइट ऑप्शन होगा कार्बन डाइऑक्साइड. When our sun reaches the end of its red giant phase, it will turn into, तो इसका राइट ऑप्शन होगा वाइट ड्वार्फ. द सन इज मेड अप ऑफ 99.9% ऑफ विच एंड विच, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 99.9% ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट टू अ यार्ड इन लेंथ, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 1 मीटर. बेसिकली 1 मीटर में 3.28 फिट होते हैं और जो यार्ड होता है वो 1 मीटर से थोड़ा सा छोटा होता है. द इंक्रीजिंग वेपर प्रेशर कॉज्ड बाय हीटिंग अ लिक्विड इज ड्यू टू, तो इसका राइट ऑप्शन होगा इंक्रीजिंग काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स. वन ऑफ द फॉलोइंग वेव्स ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, तो इसका राइट ऑप्शन होगा मोलैलिटी. बेसिकली अगर हम मोलैलिटी की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास नंबर ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्वड इन 1 dm³ ऑफ अ सॉल्यूशन, तो हम उसको नाम देते हैं मोलैलिटी का. अगर हम नॉर्मेलिटी की अगर हम बात करें तो अगर हम H2SO4 में जो हाइड्रोजन एटम्स हैं उसको हम मोलैलिटी के साथ सिंपली मल्टीप्लाई कर दें तो उसे हम नॉर्मेलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं. व्हाट इज मेंट बाय इक्विनॉक्स, तो इसका राइट ऑप्शन होगा इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट. अ विंड विच रिसीव सीजनली इज नाउन एज, तो इसका राइट ऑप्शन होगा मानसून. गल्फ स्ट्रीम्स आर कॉज्ड बाय, तो इसका राइट ऑप्शन होगा ओशन प्रेशर. थैंक यू वेरी मच. काइंडली हमारा जो YouTube चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दिया करें ताकि जितने भी नए आने वाली वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे.